नदी किनारे बस पलटने से हुआ गंभीर हादसा। कल बेमेतरा थाना क्षेत्र के श्रीनाथ नदी किनारे बस पलटने से एक बड़ा हादसा घटित हो गई। बस में सवार करीब 35 लोगों को चोटें आई है। इसमें 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें मेकाहारा रायपुर रिफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बेमेतरा क्षेत्र से सिमगा ग्राम कामता के पारिवारिक कार्यक्रम में शरीक होने बस किराए कर करीब 60 लोग जा रहे थे। इस दरमियान श्रीनाथ नदी सिमगा के समीप बस चालक की तेज गति के साथ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से बस अनियंत्रित होकर पुल के समीप पलट गया, जिसके चलते बस में सवार महिलाएं एवं बच्चे घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिमगा पहुंचाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 9 लोगों को रायपुर रिफर कर दी गई है। वहीं अन्य घायलों का इलाज स्वास्थ्य केंद्र सिमगा में जारी है। बहरहाल बेमेतरा पुलिस घटना की जाँच कर रही है। गांव बैठे रहे सबके कहा तुम आराम से चला भाई, अक्सर हो गया देख काम का ये देख आराम से चला वो सुनत नहीं रही थे देख चला हो फिर गाना हमें कहा था बने रामायण भागवत के गाना लगा इसी की के पहा पानी पानी गाना लगा दी तेरी सो और के लिए लगा दियो तेरी सो तब फिर छा पई है कि हम जाने नहीं थे फ्रैक्चर है कुछ कुछ लोगों को और किसी का हेड इंजुरी है ऐसा है तो रिफर हो गया है। इतना भी ज्यादा क्रिटिकल नहीं है लेकिन है कि रिफर कर रहे हैं, बाकी फर्स्ट एड हो गया जितने भी घटना का विषय। आज दिनांक को लगभग दोपहर 3 बजे ग्राम मटका के थाना बेमेतरा जिला बेमेतरा के ग्रामीण लोग अपने निजी कार्यक्रम में एक बस हायर कर ग्राम कामता जा रहे थे। इसी दौरान सिमगा पुराने पुल के पास ड्राइवर द्वारा तेज व लापरवाही पूर्वक चलाने से बस पुराने पुल के पास पलट गई, जिसमें बस में सवार महिला पुरुष और बच्चे घायल हुए, जिसमें 9 गंभीर रूप से घायल हुआ उनको सिमगा अस्पताल से मेकाहारा रिफर किया गया। बाकी जिनको सामान्य चोटें आई थी उनका इलाज सिमगा अस्पताल में चल रहा है और उनको ऑब्जर्वेशन बाद या डॉक्टर के सलाह के बाद उनको घर भेज दिया गया।